हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस दोबारा खोलने की दरख्वास्त, प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा खाली है, हाई प्रोफाइल केस की समाअत मुलतवी की जाए, नैब वकील की दरख्वास्त, जिस बुनियाद पर आप समाअत मुलतवी कराना चाहते हैं ये कोई नुक्ता नहीं, जस्टिस मुशीर आलम ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस पर समाअत आज हो रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हाजिर से अस्तस्ता हासिल, मरियम नवाज कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड और इसहाक डार के खिलाफ 1-1 रेफरेंस की समाअत भी होगी। पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस में कप्तान आज फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान ने दहशतगर्दी की दफात और अदालती दायरे इख्तियार को चैलेंज किया था। फाटा इस्लाहात के लिए जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च, शुरका आज पेशावर से टेक्सिला रवाना होंगे जहां से कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। इस्लामाबाद में इक्तिसादी ताउन तंजीम का इजलास, वजीर दाखला एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के चैलेंजेस का सामना है, अकेला कोई मुल्क इक्तिसादी मसाइल पर काबू नहीं पा सकता, मकबूजा बैतुल मक़द्दस को इसराइल का दार हुकूमत तस्लीम करने से कशीदगी बढ़ी। मकबूजा कश्मीर के इलाके हिंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज की बर्बरियत, फायरिंग से 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। बरतानिया में रिकॉर्ड बर्फबारी, मुल्क के कई हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में, मुतादिद एयरपोर्ट्स बंद, मुवासलात का निजाम मुतासर।